ठीक है गाइस, आज हम आपको बताना चाहेंगे कि आपके पास केजेस का साइज होना चाहिए और केज 12 नंबर वायर में आप रखें। केजेस के आप देख सकते हैं, मैंने बॉक्सिंग जो आपने करनी है विंटर में इनको जब आपने सब ब्रीड लेनी है बॉक्स, तो उस पिंजरे में ये आपके पास दो बॉक्स लाजमी होने चाहिए ताकि आपने एक केज में दो पेयर भी रखने तो आप रख सकते हैं, एक पेयर भी रखना है आपने तो वो भी आप रख सकते हैं, डिपेंड होगा। दो बॉक्सेस की जगह अवेलेबल होती है और दो बॉक्स लगा लें या फिर आप बॉक्स इधर लगा लें या फिर आप बॉक्स इस साइड पे लगा लें, ठीक है जी। उसके बाद नंबर वन तो है ये हो गया, नंबर टू केजेस का साइज आपने 2x2 का रखना है, केजेस का साइज आपने 2x2 का रखना है जिसमें बर्ड ईजीली फ्लाई करें मूव करें। और नंबर थ्री आपकी आ जाएगी स्टिक्स, ये स्टिक्स हैं अगर कैमरा मैन को नजर आ रही है, ये दो स्टिक्स हैं किकर की। बेसिकली लव बर्ड जो है हमारा किकर जो लकड़ी है वो बड़ी पसंद करता है, ये आपको किकर की स्टिक्स रखनी है और इसको साफ सुथरा रखना है, यानी कि जितना आप बर्ड को एनवायरमेंट अच्छा देंगे उसके माहौल के मुताबिक देंगे तो बर्ड खुश रहेगा और ब्रीडिंग भी आपको अच्छी देगा। नाजिन इसके नंबर फोर में मैं आपको बता दूं कि ये केजेस के हवाले से मैंने आपको बता दिया कि आपने जो एक स्टिक लगानी है वो इस साइड पे हो जाएगी, दूसरी स्टिक आपने इसके ऊपर लगानी है ताकि बर्ड की एक नेचर में होता है कि ऊपर नीचे बैठता है, वो ऊपर से नीचे आएगा नीचे से ऊपर जाएगा, कभी स्टिक्स आपने इक्वली ऑपोजिट साइड में नहीं लगानी कि किधर लगा दी आपने किधर लगा दी, ऊपर नीचे आपने स्टिक्स लगानी है और ये जो ऊपर वाला एरिया है इसको आपने स्पेस जो है इसको खाली रखना है ताकि बर्ड ने फ्लाई करना है मूव करना है तो वो ईजीली यहाँ मूव भी करेगा और फ्लाई भी करेगा और स्टिक्स का साइज इन जगहों पर रहेगा, ठीक है जी। और ये देख सकते हैं ये इनकी ट्रेज है जी, ईजीली ट्रे बाहर आए आपको ज़्यादा मसा भी ना हो, वॉश करें लगा दें फौरन साफ सुथरा रखें, ठीक है जी। और इसके अलावा नाज़रीन हम आपको बताना चाहें कि आप अपने बर्ड में फिल्टर का स्प्रे लाजमी करें, पानी में 1 लीटर 2 लीटर पानी ले लें, उसके अंदर आप 2-3 ढक्कन या 1 ढक्कन भी आप सिरके का डाल दें और 1 ढक्कन आप विकॉन एक पाउडर की शक्ल में मिलता है स्प्रे वो डाल दें, उसके बाद आप अपने बर्ड को शावर करें, ठीक है जी। और थोड़ा सा हल्के गुलाब डालें तो आप हल्के गुलाब भी डाल दें, बर्ड को शावर करें अपने पूरे शेड में शावर करें विकॉन का सिरके का ताकि कहीं भी बैक्टीरिया हैं जरासीम हैं वो डेड हो जाए, किसी किस्म भी आपके शेड में बैक्टीरिया जरासीम नहीं होना चाहिए ताकि आपका बर्ड सुकून में रहे और जम बैक्टीरिया से साफ सुथरा रहे और आपका बर्ड बीमार भी ना हो। अपने बर्ड का ख्याल रखें यही मैं आपके पास कहना चाहूँगा, जितना ख्याल रखेंगे आपके आने वाले वक्तों में ब्रीडिंग सीजन के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। आज आप इनके ऊपर जान मारेंगे मेहनत करेंगे और नेक्स्ट सीजन ये आपको कुछ ना कुछ ज़रूर फीडबैक करेंगे। इसके साथ इजाज़त दीजिए मुझे, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह मिलते हैं नाज़रीन नेक्स्ट वीडियो के लिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।